हेलो फ्रेंड्स, 2150 रुपए पे एक स्टॉक को आप आईपीओ पे लाते हो, उस कंपनी को बताते हो कि इंडिया की फाइनेंशियल सर्विसेज में कंपनी धमाल मचा देगी और ये ही है इंडिया का नेक्स्ट बिग बिग यूनिकॉर्न फॉर एवर, और वो कंपनी टैंक कर जाती है और आज के डेट में 1000 रुपए की टेरिटरी में ट्रेड कर रही होती है। तो फ्रेंड्स, रिटेल इन्वेस्टर्स को किस तरह से मूर्ख बनाया गया है उसका क्लासिक एग्जाम्पल है पेटीएम। 2150 रुपए के शेयर प्राइस पे ये स्टॉक आया था, इनफैक्ट अनलिस्टेड मार्केट्स में ये 3000 रुपए तक गया था जब ट्रेड हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि बस जितना पैसा है पेटीएम के स्टॉक्स ले लो और ये आपको अमीर बना देगा। आज के डेट में 1116 रुपए पे कल क्लोज हुआ है, 1000 रुपए का घर नीचे में देख के आया है। एंड मजा का बात है, मैंने कल इसके ऊपर एक लिंक्डइन का पोस्ट भी लिखा था कि एक तो जो ब्रोकरेज हाउसेज है वो कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स जो गलेबल होते हैं, जो बहुत इनोसेंट होते हैं, उनको कैसे उनका मजाक बनाते हैं। दौलत कैपिटल ने 2530 का टारगेट प्राइस दिया, आज भी 2.5 गुना होगा उसके हिसाब से आज के बाद पेटीएम का स्टॉक। मॉर्गन स्टैनली 1875, जेपी मॉर्गन 1850, गोल्डमैन सैक्स 1630। क्या दिख रहा है भाई आपको पेटीएम में ऐसा? एंड अगर आप स्क्रैच बियॉन्ड द सर्फेस, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली एंड गोल्डमैन सैक्स, ये तीनों लीड बैंकर्स टू दी आईपीओ थे। तो जब इन्होंने 2150 पर शेयर के आईपीओ को प्राइसिंग करके मार्केट को चिपकाया है, तो आज के डेट में तो दे कैन नॉट टेक अ डिटोर एंड से कि नहीं नहीं हमको तो अब लगता है कि इसका रियलिस्टिक वैल्यू 1000 रुपए है। सोचिए कितना बड़ा एक डाइकोटॉमी है। येस बैंक का जो येस सिक्योरिटीज है उसका 1113 का टारगेट है। मैक्योरी का इकलौता कंपनी है जिसका मेरे को टारगेट इसका सही लगता है 900 रुपया। लिस्टिंग डे पे इनफैक्ट मैक्योरी ने 1200 रुपए का टारगेट दिया था, आज 900 रुपए है। और आप कोई भी प्राइस देख लें इसके हिसाब से, अगर आप प्राइस टू सेल्स का मल्टीपल देख लें तो अगर 10 टाइम्स ऑफ रेवेन्यूज पेटीएम ट्रेड करे तो आज भी इस पर 50% डाउनसाइड का संभावना है, राइट? सो आज के डेट में भी इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इज समथिंग लाइक 72.53 थाउजेंड करोड़, और इसका अगर आप प्राइस टू सेल्स का 10 टाइम्स का मल्टीपल लगाएंगे तो यहां से भी ये आधा गिर जाएगा। तो ये जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं ये क्यों लोगों को मिसगाइड करते हैं? विजय शेखर शर्मा वेंट ऑन टॉप ऑफ इट एंड सेड कि भाई अगर आपको पेटीएम का कोई राइट कंपेरेबल है तो वो तो है भाई साहब बजाज फाइनेंस का स्टॉक। कैसे आप वो एक ब्रोकर, एक डिस्ट्रीब्यूटर, आपने क्वार्टर एंडिंग दिसंबर 2021 में 4.4 मिलियन लोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे जिसमें आपको सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन फी मिलेगी। बजाज फाइनेंस का 1.18 ट्रिलियन रुपीस का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, वो अपनी खुद की बैलेंस शीट पे लोन्स डिसबर्स करता है। 7.4 मिलियन लोन्स उसने इसी क्वार्टर में डिसबर्स किए। आप बोलते हमने तो बजाज फाइनेंस को वी सरपास्ड एंड देयरफॉर वी आर नॉट गेटिंग द राइट वैल्यूएशन बिकॉज ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी। किसको मूर्ख बना रहे हैं आज के डेट में? विद द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल एवरीवेयर, मिस्टर विजय शेखर शर्मा, इट इज नॉट राइट टू मेक दिस काइंड ऑफ कैजुअल लूज स्टेटमेंट्स। इनफैक्ट आपका जो कंडक्ट है ओवर सिंस द आईपीओ पीरियड वेयर रिटेल इन्वेस्टर्स हैव एक्चुअली लॉस्ट देयर मनी इज नॉट रियली व्हाट वन वुड हैव एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योर ऑफ योर स्टैचर। इनफैक्ट कल न्यूज आया कि पेटीएम ने अपना कैनेडा बिजनेस को शट डाउन कर दिया। ऑफकोर्स मार्केट से जब चारों तरफ से लपट पड़ रहे हैं तो अब उसको अपना बिजनेस को रियलाइन करना पड़ेगा, कैश प्रॉफिट की तरफ जाना पड़ेगा। इवेंचुअली प्रॉफिट का पाथ पे नहीं गया तो मार्केट उसको और थप्पड़ मार मार के नीचे गिरा देगा। कोई कंपनी डीआरएचपी पे लिखता है क्या कि हमने आज तक प्रॉफिट्स नहीं कमाए और हम नियर फ्यूचर में भी प्रॉफिट्स नहीं कमाएंगे, फिर भी भाई हमारी कंपनी को $20 बिलियन का वैल्यूएशन दे दो? मजाक चल रहा है क्या भाई? और लोग दे भी रहे हैं बिकॉज आईपीओ का पार्टी था, लोगों को लग रहा था भैया चलो चलो। आप सोचिए, आप 2150 रुपए में स्टॉक खरीदते हो, 1000 रुपए उसका प्राइस हो जाता है और आज भी आप पढ़े हो और आप ये प्रार्थना कर रहे हो कि कहीं ये 500 ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट्स आर अ ग्रेट प्लेस टू अर्न, बट जस्ट डोंट गो विद द फ्लो। आपको अपना सर्कमस्पेक्ट होके रैशनल इन्वेस्टर के हिसाब से अपना रिसर्च करना पड़ेगा, फिर ही अपना हार्ड अर्न पैसा लगाइए। पैसा खोना भी यहाँ पे इतना ही इजी है जितना पैसा कमाना, बिकॉज अल्टीमेटली एक जीरो सम गेम है। तो लेट अस बी ऑन द राइट साइड ऑफ दैट जीरो सम गेम एंड नॉट ऑन द लेफ्ट साइड वेयर वी लूज आवर हार्ड अर्न मनी। पेटीएम के स्टॉक के ऊपर आपका क्या कमेंट है मुझे प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में। आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।